देखिए मेरे पीछे जो बाज़ार आप देख रहे हैं, ये गुरुवार को लगने वाला बाज़ार है और बरेली के सिविल लाइन में हनुमान मंदिर के पास में लगता है। मेरे बाईं तरफ है हनुमान मंदिर, बरेली का सिविल लाइन, और पीछे लगता है ये बाज़ार। आज इस बाज़ार में चटक धूप है, गर्मी है भयंकर, लेकिन ग्राहक दुकानदारों को तलाशने पड़ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ बरेली के जो बड़े व्यापारी संगठन हैं, वो इन बाज़ारों के ख़िलाफ़ में बीते दिनों SSP से भी मिले थे और बात भी की थी पटरी पर इस प्रकार के बाज़ार ना लगाए जाएं, इन दुकानदारों को कहीं एक पटरी की बाज़ार आवंटित कर दी जाए, यानी दुकानदारों को मुकम्मल तरीके से दुकानें दी जाएं ताकि ये बाज़ार पटरी पर ना लगे। दुकानदारों की बात पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से सुनी जरूर है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान बरेली में नहीं हो पाया है। मजबूरन इन दुकानदारों को बृहस्पति के दिन और इतवार के दिन पटरी पर अपने बाज़ार लगा के सामान बेचना पड़ रहा है। औने पौने दामों में अपना सामान बेच रहे हैं, इसके बाद भी ग्राहक ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए बरेली का वही बृहस्पति का बाज़ार है जिसके बारे में कल व्यापारियों ने SSP से मांग की थी कि इस पटरी पर लगने वाले बाज़ारों को बंद किया जाए। आज हम दिखाते हैं बरेली में सिविल लाइन इलाके में एक बाज़ार और जहाँ पर चल रही है ख़रीदारी। गाँव लखनऊ आपको दिखा रहा है लाइव कवरेज। 250 रुपए की तो, 250 रुपए की तो बोले यो। ये देखिए बरेली के सिविल लाइन में लगने वाला एक बाज़ार है। भयंकर गर्मी है बरेली में आज, कल जहाँ बरसात रही थी वहीं आज मौसम गर्म है, उमस है बरेली में, लेकिन बाज़ार यहाँ पर गुलजार है। बरेली में सिविल लाइन इलाके में लगता है ये बाज़ार। अच्छा क्या नाम आपका? मौसी। बाज़ार के बारे में क्या कहेंगे, कैसा है बाज़ार कल के मुकाबले, पहले पिछले गुरुवार के मुकाबले? सही चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं गर्मी में। देखिए लोग दुकानदार बता रहे हैं ग्राहक आ रहे हैं, कल जहाँ बरसात हुई थी आज गर्मी ज़रूर है, लेकिन चूंकि ख़रीदारी का मौसम है और ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं। चांद मोहम्मद। अच्छा चांद मोहम्मद। हाँ कैसा है बाज़ार आज? बहुत बुरा है। बहुत बाज़ार बिक्री नहीं हो रही है ना, ग्राहक आ रहे हैं, सब फल हुए आ रहे हैं, 100 की चीज़ के 50 लगा रहे हैं। कह रहे हैं ग्राहक बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर हैं, आधे आधे दाम लगाए जा रहे हैं उनकी चीज़ों के, और ऐसा लगता है कि मुफ्त में लोग सामान चाह रहे हैं। 500 वाला देखिए बता रहे हैं 50 रुपए में आइटम देने को भी तैयार है, लेकिन इसके बावजूद ग्राहक नहीं है। 500 वाला 50 रुपए में, उसके बाद भी ग्राहक नहीं है यहाँ। ये देखिए बदकिस्मती है बाज़ार की इस वक्त कि यहाँ पर दुकानदारों को ग्राहकों को देखना पड़ रहा है और दुकानदारों को ग्राहक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं बरेली के सिविल लाइन बाज़ार में। गाँव लखनऊ दिखा रहा है बरेली की ये कवरेज। और ये देखिए बहुत सारे ग्राहक, ऐसी बहुत सारी दुकानें जूम करके हम दिखा रहे हैं, सब छतरी लगाए खाली बैठे हैं। दुकानदारों का कहना ये है कि जितना खर्चा उनका आता है शायद उतना ही निकला है, बहुत बड़ी बात। देखिए बरेली के सिविल लाइन हनुमान मंदिर के पीछे लग रहा है बाज़ार, और सड़क किनारे जहाँ एक तरफ सारे बाज़ार बंद हैं, सामने देख रहे हैं अब सब बाज़ार पूरा बंद है, और वहीं रोड किनारे ये शीतल जल सिकंजी बेचने वाला व्यक्ति लोगों की गर्मी में परेशानी दूर करने के लिए भले ही 5 से 10 रुपए ले रहा हो, लेकिन इससे सिकंजी पीने के लिए भीड़ लग रही है, गर्मी बहुत है बरेली में। वहीं ये बृहस्पति का बाज़ार आबाद है जिसको लेके कल व्यापारियों ने SSP से भी कहा था कि ये बाज़ार बरेली में ना लगाया जाए, इनसे लूट को बढ़ावा मिलेगा, इनको अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है। मुझको कौशल रजा कहते हैं। कौशल रजा साहब क्या कहना चाहेंगे इस बृहस्पति और इतवार को लगते हैं पटरी में बाज़ार, इसके लिए क्या कहना? पटरी का बाज़ार जाने से एक जगह हो जाना चाहिए इसकी, कहीं पर भी एक बहुत जगह है, यहाँ पर भीड़ है बड़े बड़े, उनको एक जगह पकड़ देने की, कुछ तूफाने पर बहुत जाम है, लोग परेशान हैं, और मैं वहीं से अभी आया था, बाइक से निकलना मेरा मुश्किल पड़ रहा था, और मुझे आना था किसी को पेशेंट को देखने थे डिस्ट्रिक्ट में, मैं करीब 1 घंटा जाम में फंसा रहा, 1 घंटे बाद में पहुँचा डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है, मुझे अब जाना है सिविल लाइन। आपके मुताबिक ही बृहस्पति इतवार के बाज़ारों को जगह मिलनी चाहिए? कहीं बिल्कुल मिलना चाहिए साहब, ये बेरोजगार लोग हैं, ये भी एक रोज़गार से जुड़े हुए हैं, रोज़गार इनको मिलना चाहिए, एक जगह शिफ्ट कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर, बहुत बहुत बड़े फील्ड हैं, बृहस्पति का बाज़ार जो है एक दिन लगता है, कोई रोज़ तो लगता नहीं है। देखिए बृहस्पति को लग रहा है जिला अस्पताल के सामने रेडीमेड कपड़ों का बाज़ार, जो गाँव लखनऊ आपको दिखा रहा है,
और दूसरी तरफ गुलजार है चप्पलों का बाजार। ये जिला अस्पताल में आज बंदी के दिन भी यह हाल है जाम का। अभी इसमें एम्बुलेंस फंस गई थी, बहुत देर तक जाम लगा रहा। ये डिवाइडर पर देखिए लोग बैठे हुए हैं और रमजान की खरीदारी चूँकि शुरू हो गई है, इस वजह से देखिए डिवाइडर पर लोग बैठे हुए हैं। ये बरेली का नज़ारा है छुट्टी के दिन का। ये पटरी पे लगता है बाजार जिसको बंद करने के लिए पुलिस से कई बार व्यापारी मिल चुके हैं, कभी मिले थे, लेकिन अब तक ये बाजार रोड से हटा नहीं है। इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा है। ये हम दिखा रहे हैं दोनों तरफ का हाल बाजार में। गांव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।